नमस्कार, आज 13 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है नगर परिषद सिवान से लेकर गोपालपुर नगर पंचायत और हसनपुरा नगर पंचायत में। इस वक्त हम हमारी टीम मौजूद हैं गोपालपुर नगर पंचायत में और यहां से नव निर्वाचित चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं इमाम जाकिर अंसारी, जो कि एक समाज सेवी हैं और 10 सालों से लगे हुए थे इस चेयरमैन के लड़ाई को लेकर, और वो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, 10 सालों से समाज सेवा में लगे हुए थे और आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, वो हमारे साथ हैं। मैं उनसे बातचीत करूँगा कि इस बड़े मौके के बाद वो कल से क्या करने वाले हैं जनता के बीच और कल से उनका माइंडसेट क्या होगा गोपालपुर नगर पंचायत के लिए और गोपालपुर नगर पंचायत के जनता के लिए, क्योंकि उन्होंने 10 साल मेहनत किया है गोपालपुर नगर पंचायत में, समाज सेवा किया है और समाज सेवा बढ़ चढ़ के किया है उन्होंने। तो आइए इनसे मिलकर बातचीत करते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसकी कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जिस तरीके से शपथ ग्रहण हुआ और जाकिर इमाम जो हैं पिछले 10 सालों से समाज सेवा करते हुए इस चेयर पे विराजमान हुए हैं, क्या लगता है, कैसा लग रहा है आज आपको और क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से गोपालपुर नगर पंचायत के सभी सम्मानित जनता को मैं धन्यवाद दूंगा, और धन्यवाद इसलिए दूंगा कि इस नगर पंचायत में जो इस क्षेत्र के जितने मतदाता हैं अपने आप में मिसाल कायम किए हैं, चूँकि इन्होंने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों ही नौजवान के कंधों पे यह जिम्मेवारी दी है कि गोपालपुर नगर पंचायत आप ईमानदारी से चलाएं, तो मुझे लगता है कि दोनों कंधा बहुत मजबूत है, नौजवान है, और जिस उम्मीद और विश्वास के साथ जनता इनको मत दे के जिताई है, मैं इनसे भी उम्मीद करता हूँ यह उसी ईमानदारी से अपने क्षेत्र के जनता के हर विश्वास पे खरा उतरने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मेरे तरफ से जाकिर इमाम भाई जी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना, और इनके 10 जो है कि वार्डों को भी हार्दिक शुभकामना और यहाँ के जनता जनार्दन को भी हार्दिक शुभकामना। जाकिर जी बहुत दिनों से धरातल पे कार्य करते थे, यह होल टाइमर अपना वर्क करते थे, कुछ लोगों ने देखकर इनको अलग अलग जो है कि टिप्पणियाँ भी करते थे, लेकिन जाकिर जी मन में ठान लिए थे कि मुझे अपना उस लक्ष्य पर जाना है। तो जनता से जो है कि इन्होंने एकदम कनेक्ट रखा, जनता के साथ रहे, नहीं तो यहाँ बहुत पैसे वाले भी लड़े, जाकिर जी उनके सामने कुछ नहीं थे, लेकिन जाकिर जी ने जनता जनार्दन का दिल जीते हैं। और जो है कि मैं जाकिर जी का ध्यान को आकर्षित करूँगा कि आपको ये जो ताज मिला है वह ताज जो है कि यह ज़रूर समझिएगा कि मैं आज भी नया हूँ, और जनता के बीच में ईमानदारी से कार्य करिएगा, जिनको जो वादा करिएगा वो ज़रूर पूरा करिएगा, उसमें जो है कि थोड़ा भी फिसल जाइएगा तो फिर अगला बार आप भी फिसल जाइएगा। चेयरमैन के रूप में हमारे रिश्तेदार और भतीजे इमाम जाकिर साहब चेयरमैन हुए हैं इस गाँव के, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, और मैं भरोसा के साथ इनसे उम्मीद भी है और काफ़ी भरोसा है कि इस गांव को बहुत ही विकास के उच्चतम मेयार तक ये ले जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। सर, एक सवाल, मैनचेस्टर की जो बात की आपने, बुनकरों का जो बहुत बड़ा यहाँ हब हुआ करता था, वो हब अभी फेलियर हो रहा है, सर आपकी थोड़ी सी प्रकाश क्या रहेगी? देखिए, ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी ये थी कि अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान आए तो सबसे बड़ा दो लोगों का नुकसान किया हिंदुस्तान में, एक मुग़ल ख़ानदान को ख़त्म कर दिया, दूसरा जो बुनकर हुआ करते थे हिंदुस्तान में
और हिंदुस्तान का बना हुआ कपड़ा पूरी दुनिया में जाता था और वहाँ से यहाँ से कपड़ा जाता था और वहाँ से सोना चांदी, उन दिनों कागज़ की नोट नहीं चलती थी, सोना चांदी लाद करके जहाज में आता था। और भारत, इतना बुनकरों ने मेहनत किया कि भारत को सोने का चिड़िया बना दिया और पूरा भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज ये बुनकरी का काम अपने देश में उठा के ले गए और वहाँ वो मैनचेस्टर और लिवरपूल नाम का दो शहर बनाए बुनकरों का और यहाँ के बुनकरों का सत्यानाश कर दिया। और एक ज़माने में इंग्लैंड यहाँ का कपड़ा जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद से इंग्लैंड का कपड़ा हमारे देश में आने लगा और हमारे देश का बुनकर जो है वो तबाही के कगार पे। अंगूठा और हाथ काटने की मैंने दस्तान जो है, अंग्रेज हाथ काटते थे, अंगूठा काट लेते थे। उसके बाद साहब समझ लीजिएगा अपनी सरकार आई, ये सरकार भी जो अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियां थी उनको हमारे देश के पूंजीपति खरीद लिए, टेक्सटाइल मिल बना यहाँ और बुनकरों का सत्यानाश हो गया। और बुनकरों का सत्यानाश, देश का ही सत्यानाश हो गया। तो मैं चाहूँगा कि भारत अगर पुराना गरिमा चाहता है, फिर से भारत सोने का चिड़िया बनना चाहता है, तो भारत के बुनकर ही नहीं, भारत के कारीगरों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। भारत के सारे उद्योग धंधे और ख़ास करके कुटीर उद्योग धंधे हमारे देश के बहुत बड़ी एक थाती है, इसको आगे ले जाएगा तब जाकर के भारत दुनिया में एक बड़ा ही इज्जतदार और एक दोबारा सोने का चिड़िया बनेगा। ऐसी हमारी परिचय, अपना परिचय बता दें। आस मोहम्मद, इसी जिले का रहने वाला हूँ और मैं इसी जिले से राज्यसभा में पूर्व सांसद हूँ, रहा हूँ। और मैं इसी साल हमारी रिश्तेदारी हुई है और इस परिवार में दो काम, एक शादी हुई है बड़ी सी, और दूसरी बात है कि तमाम लोगों की दुआ से और कोशिश से मैं भी यहाँ एक दो बार आया और लोगों से यहाँ भरोसा देकर के कहा कि आप लोग ये बहुत ही मैंने कर्मठ और योग्य, और दूसरी एक बड़ी अच्छी खूबी है जिसकी वजह से ये विजयी हुए हैं, वो खूबी मैं भी देखा हूँ, सुना भी हूँ कि गरीबों का काम सबसे पहले ये करते हैं। सर एक सवाल है, आप जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं जी, और जो भी जो घटनाएं होती हैं उसको जो आप उठाते रहते हैं, तो जो आपने बुनकरों की बात की कि गोपालपुर में जो है बुनकर बहुत ज़्यादा थे, वो जो है ख़त्म हो गए हैं, तो क्या गोपालपुर की जनता जो है ये उम्मीद रखें कि गोपालपुर जब जो चेयरमैन है जाकिर इमाम साहब, वो जो है बुनकरों को फिर से यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे? ऐसा उम्मीद है हमको, इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है, इनसे भरोसा है और मैं दुआ देता हूँ कि ये लड़का आगे चल करके और भी ऊँची छलांग लगाए, हमारी दुआ है। और ऐसा इनके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से ये सिर्फ चेयरमैन ही नहीं और भी बड़ा पद पा करके और इस गांव के बुनकरों का भला करें। सर आप पूर्व में राज्यसभा सदस्य रहे हैं और यहां से नवनिर्वाचित चेयरमैन जो जीते हुए हैं जाकिर इमाम अंसारी जी हैं, पूर्व में मिनिस्टर कयूम जी थे जो आपने जी, जी, उनका जिक्र किया, तो आज हसन गोपालपुर नगर पंचायत के लिए और हमारे नए निर्वाचित चेयरमैन हैं उनके लिए और पूरे नगर पंचायत वासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपके तरफ? मैसेज ये रहेगा कि ये गाँव बहुत पहले सिवान जब जिला नहीं था तो पश्चिमी बिहार का एक बड़ा गांव हुआ करता था और मैं समझता हूं कि ये लीडिंग गांव था। इसी गांव के कपड़े जहां जाकर के बिकते थे, जिसको तेलहट्टा बाज़ार में सट्टी के नाम से जाना जाता था, मैंने इसी गांव का और इसके अलावा और भी दो चार गांव हैं जहां कपड़े का काम होता था। तो मैं समझता हूं कि आज भी ये गांव बड़ा मेहनतकश है, बुनकरी ख़त्म होने के बावजूद भी अरब जाकर के सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है ये गांव और गांव को खुशहाल रखा है। तो मैं समझता हूं कि गांव को एक नए मॉडल की तरह से विकास करने की उम्मीद हम जाकिर बाबू से चाहता हूं। थैंक यू। चुनाव की जिम्मेदारी हम लोगों पर थी, चूँकि एक आज एक अफसोस भी है कि हमारा सबसे अच्छा पंचायत हुआ करता था गोपालपुर, अब हम लोगों से अलग हो गया है प्रखंड से और स्वतंत्र अस्तित्व में है नगर पंचायत के रूप में। इसलिए सभी यहाँ के वासियों और स्वच्छ चुनाव हुआ और सबने सहयोग किया, इसके लिए यहाँ के आम आवाम को हमारी तरफ से शुभकामनाएँ हैं और सभी नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को
खूब सारी बधाई हुई है। और शपथ ग्रहण कराने के लिए जिला से वरीय उप समाहर्ता प्रियंका मैडम आई थी, उनके नेतृत्व में शपथ ग्रहण कार्य की बात की जाए तो सर चुनौती तो रहेगी सर, नगर पंचायत में जो जीत के आए हुए हैं उनके लिए तो चुनौती रहेगी सर, क्या कहेंगे सर? चुनौती तो हर काम करने वाले के लिए हर अगला स्टेप अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन मुझे आशा है कि यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी भी रहेंगे और आम जनप्रतिनिधि मिलजुल करके, एक तो विकसित पंचायत है ये पहले से ही, और सरकार का जो दिशा निर्देश होगा उसके अनुरूप और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। जो नवनिर्वाचित चेयरमैन उप चेयरमैन और वार्ड पार्षद चुन के आए हैं, तो जैसे आपने कहा कि हमारा एक अभिन्न अंग था और अभी जो बदल गया है नगर पंचायत में, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा आज? संदेश यही है कि आपसी वैमनस्यता को भुला करके चुनाव समाप्त हो गया और आपस में मिलजुल के, गोपालपुर आपका है और हम लोग तो हैं ही, पहले से हैं और हमारा संबंध ख़त्म तो होगा नहीं, गोपालपुर आपका है, गोपालपुर को आगे बढ़ाने में कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला के एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि अब चुनाव समाप्त हो चुका है, वो आपसी रंजिश आपसी वैमनस्यता को भूल जाए, जो जीत गया उसके साथ सहयोग करें। सबसे पहले आपको स्वागत हो हमारे नगर पंचायत गोपालपुर में, आप सभी चैनलों को जो यहाँ पे हमारे नगर पंचायत गोपालपुर में है, उनको मैं अपने नगर पंचायत की तरफ से उनको वेलकम और स्वागत करता हूँ। सर 10 सालों से आप लगे हुए थे इस चुनाव को लेकर और समाज सेवा कर रहे थे, आज आप विराजमान हैं इस चेयर पर, चेयरमैन के चेयर पर, आगे आपके विकास के लिए क्या मतलब रोड मैप है गोपालपुर नगर पंचायत के लिए? सर पहले भी हम आपके चैनल से लोगों को बताया है, अभी भी बता देना चाहता हूँ, आज मैं मेरा जो है शपथ ग्रहण हुआ और मैं अपने पंचायत के तरफ से, अपने तरफ से सभी को, मैं अपने परिवार के तरफ से उनको अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, जो लोग आए यहाँ हमारे राज्यसभा के पूर्व संसद साहब जो हैं, आज मोहम्मद साहब आए हुए हैं, रिजवान भाई हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, जो सभी को अपने तरफ से उनको मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस वक्त इमाम जाकिर या नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिस तरह से आपने जनता को, जनता की सेवा किया है लगभग 8 सालों से, उसी तरह जनता ने भी अपना जिम्मेदारी निभाया है, आपको पूर्ण बहुमत जिताया है, क्या उनके जिम्मेदारियों पर आप खरा उतरेंगे या आप भी बाकी प्रतिनिधियों की तरह भी मुकर जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो 8 साल से ही जमीनी स्तर से काम कर रहा हूँ यहाँ गोपालपुर नगर पंचायत में, और मैं तो यहाँ का मैं चेयरमैन हो गया, इंशाल्लाह मैं खड़ा उतरने के लिए कोशिश भी करूँगा, जो विकास यहाँ अधूरा पड़ा हुआ है, मेरा मुद्दा क्या था यहाँ विकास जो अधूरा पड़ा हुआ है, बहुत सारी समस्या था कि लोगों को वह सरकार के लाभ जो आ रही है वहाँ पब्लिक तक नहीं पहुँच रही थी, मेरा पहला प्राथमिकता यही रहेगा कि सरकार का जो गाइडलाइन है उसको मैं फॉलो करते हुए लोगों को मान सम्मान रखेंगे, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबका हमका सबका साथ सबका विकास रहेगा और इंशाल्लाह काम भी होगा, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग यहाँ बैठ गए हैं सिर्फ कुर्सी पर चेयर पर बस झूमते रहे, नहीं हमारा काम होगा, आप लोग देखिएगा बिल्कुल नायक फिल्म की तरह, 15 दिन पर दौरा होगा मेरा, वार्ड के भरोसा नहीं रहेंगे, वार्ड को हम समझाएंगे कि हमारे साथ 15 दिन पे एक मीटिंग होना चाहिए, समस्या होना सुनना चाहिए कि हाँ आप वार्ड में जीते हैं, आपके वार्ड में क्या परेशानी है लोगों को वो बताएं मुझे, नहीं तो मैं खुद चलकर मैं पूछ लूँगा, मैं पहले भी बताए हैं और अभी बताने का आपके चैनल से मैं कोशिश करूँगा नगर पंचायत के सारी जनता को कि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं लोग, और मैं अपने स्तर से खुद चलकर काम करने का प्रयास करूंगा 24 आवर्स, जैसे भी हम लोगों का कहना है कि जाकिर भाई ने बहुत एक कॉल करिए, हाजिर रहते हैं इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे, एक कॉल करिए, सेवा जारी रहेगी, सेवा में कोई कमी नहीं होगा इंशाल्लाह, पहले भी हुआ था, क्या हो गया? पहला देखिए हमारा यहाँ ज़रूरी है स्वास्थ्य हॉस्पिटल एक बनाने के लिए, हम सोचे हैं पहले से दिल में तमन्ना है कि यहाँ एक जो है स्वास्थ्य हॉस्पिटल बनाए जाए यहाँ, क्योंकि यहाँ डॉक्टर लोग जवेद साहब थे वो तो चले गए दुनिया से, अल्लाह उनको जन्नत दें, वो अभी तो यहाँ बहुत समस्या है स्वास्थ्य के लिए, मैं चाहूँगा एक हॉस्पिटल बनाऊँ पहला काम, और जो रोड का समस्या है नाला का समस्या है वो सुधारने का मैं प्रयास करूँगा। सर आप पहली बार टीम के कप्तान बने हैं, आपके साथ 10 वार्ड हैं, एक उप पार्षद हैं जी, तो कप्तानी में
चुनौती क्या रहेंगी सर? सबको मिलाकर चलेंगे, कप्तानी में क्या झगड़ा करना थोड़ी है, सबसे झगड़ा करते रहिए, सबसे मिलाकर चलना है, काम करना है, यहाँ विकास दिखाना है कि यहाँ आपस में हम लोग यहाँ पर ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ मैं चेयरमैन हूँ, मेरा बात को वो लोग फॉलो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करना पड़ेगा ऐसा। अगर गलत मैं हो रहा हूँ तो भाई आप लोग बताएं मुझे कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। आज क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही देंगे कि नगर पंचायत की जनता को बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमने आज जिस रूप में देखना चाह रहे थे आज मैं बैठ गया।